अच्छा पूरी ट्रांसफार्मर की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। लीनियर है यानी कि जी, और अगर फर्ज करें जी का जी एफ ओमेगा, एच का एच एफ ओमेगा, ठीक है। अगर जी और एच का साथ अलादा अलादा ले लें तो वो वैसे ही होता है कि दोनों का अलादा ले लें, ठीक है। मतलब ये लिनियरिटी है, अगर जी एफ को माइनस एन नॉट पे शिफ्ट कर दें, ये माइनस एन नॉट पे शिफ्ट कर दिया तो ये स्टार्ट में जो होता है ई रेस पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट आता, ठीक है। ये टाइम शिफ्ट है। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट देते हैं, फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट देते हैं तो फंक्शन के अंदर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आ जाता है। इसी तरह अगर फंक्शन के साथ एन जी एफ एन हो तो वो क्या होगा, माइनस उसका डेरिवेटिव आ जाता है। अगर कन्वॉल्व हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में कन्वॉल्व हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई होंगे। अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ से माइनस पाई से पाई तक एच एफ ओमेगा और जी एफ ओमेगा माइनस थीटा से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह पार्शियल थ्योरम होता है एच एफ एन के साथ अगर जी एफ एन को कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसी तरह इन दोनों का इलादा अलग से ट्रांसफार्म लेके वन ओवर टू पाई इंटीग्रेट कर लेते हैं। कुछ सिमेट्रिक रिलेशनशिप हैं, एक्स एफ माइनस एन इसको हम टाइम रिवर्सल कहते हैं। एक्स एफ माइनस एन जो होता है एक्स एफ ई रेस पावर माइनस जी ओमेगा होता है। अब इसी तरह अगर कॉन्जुगेट का ले लिया जाए तो वो एक्स कॉन्जुगेट ई रेस पावर जी ओमेगा होता है। अगर अब रियल पार्ट का ले लिया जाए तो क्या होता है, वन ओवर एक्स रेस पावर ई जी ओमेगा प्लस एक्स ए कॉन्जुगेट का जी ओमेगा। इस तरह अगर इमेजिनरी पार्ट का ले लिया जाए तो बीच में यहाँ साइन जो होता है वो नेगेटिव आ जाता है। इसी तरह कॉन्जुगेट सिमेट्रिक के लिए और कॉन्जुगेट ए सिमेट्रिक के लिए ये रिजल्ट आते हैं। अच्छा ये ई वी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है इवन है और ऑड है ना, ठीक है। ये ईवी एक ईवी लिखा हुआ है, इवन लिखा हुआ है, एक ओडी लिखा हुआ है, ऑड लिखा हुआ, ठीक है। अगर एक्स एक इवन फंक्शन है तो उसका रियल पार्ट आएगा, अगर एक्स एक ऑड फंक्शन है तो उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा, ठीक है। एक्स एफ जे ओमेगा जो है नेगेटिव होगा, इसी तरह जो एंगल जो होगा।